गर्मा गर्म आलू प्याज का पराठे खाने का मजा ही कुछ और है। तो मम्मी ने सबसे पहले गेहूं के आटे में स्वाद अनुसार नमक मिलाया और 2 चम्मच तेल और पानी डाल के आटे को गूंद लिया। आलू पराठा एक ऐसी रेसिपी है जो हर घर में बनती है। अक्सर सिंपल रेसिपी को मास्टर करना ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आलू पराठा के लिए जो आटा है वो रोटी के आटे से थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, इसीलिए गूंदे हुए आटे को रेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। अब मम्मी आलू पराठा के लिए कर रही है फिलिंग तैयार। तो बॉइल पोटैटो को मैश करने के बाद तो आलू के अंदर स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी मिर्ची, 1/4 टीस्पून चाट मसाला और उसके बाद 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालने का, 1/4 टीस्पून पाव भाजी मसाला और 1/4 टीस्पून चीनी ऐड करने के बाद आधे नींबू का रस मिला के रख देना। सबका अलग अलग तरीका होता है फिलिंग बनाने का। हमें यहाँ पे प्याज को भूनना पसंद है, इसीलिए बर्तन में 1 बड़ी चम्मच तेल डाल के उसमें अदरक मिर्च और लहसुन की पेस्ट और चॉप किए हुए प्याज को तेल में ऐड करने के बाद थोड़ी सी हल्दी और प्याज को पकाने के लिए नमक डालेंगे और प्याज को अच्छी तरह पकाने के बाद आलू को मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। तब आटे को इस प्रकार फैलाएंगे। फैलाने के बाद और छोटा सा पॉकेट जैसा बना लेंगे जिसमें हम आलू की फिलिंग भरेंगे, जैसे हम मोमोज बनाते हैं। अच्छी तरह से पैक करके बेल लेना है और हमें सिर्फ धीरे धीरे करके और हल्के हाथों से बेलना है ताकि ये फटे नहीं। फिर तवे को गर्म करके गैस को मीडियम फ्लेम में रख के हल्का सा घी या तेल लगा के दोनों साइड से सेक लेंगे। दही और अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पे चीज के साथ सर्व किया। तो बना के खा के करो इंजॉय।